दोस्तों, इस तरह का जो माइक है कैसे अपने पीसी या लैपटॉप में कैसे अपने सेटअप कर सकते हो, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाला हो। और गाइस, इसमें सेटअप करने के बाद यहाँ पर अपना पीसी पे चलेगा या नहीं चलेगा वो भी तो हम लोग दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसके साथ मैं आपको बता देता हूं, ये जो माइक है एक्चुअली अब जो माइक है मोबाइल के लिए एकदम बेस्ट है। अभी जो आप साउंड सुन रहे हैं, ये जो साउंड है ये मोबाइल से ही रिकॉर्ड हो रहा है, मोबाइल से ही साउंड अभी जा रहा है, ठीक है। तो ये मोबाइल के लिए एकदम बेस्ट है, ये कंप्यूटर के माइक नहीं है। लेकिन फिर भी कंप्यूटर में जो भी माइक जैसे सेटअप किया जाता है वैसे हम लोग यहाँ पर सेटअप करूंगा, और सेटअप करने के साथ साथ हम लोग यहाँ पर देखेंगे चलेगा या नहीं चलेगा और कैसे सेटअप करते वो भी तो हम लोग देखने ही वाला हो। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कंप्यूटर में कैसे इस तरह का जो माइक है कैसे अपने सेटअप कर सकते हो, कैसे अपने लगा सकते हो। और गाइस, अभी जो आप साउंड सुन रहे हैं, ये माइक को मैंने ओपन कर लिया हूं क्योंकि मैं यहां पर लगाऊंगा, और अब बिना माइक के ये मोबाइल से ही रिकॉर्ड हो रहा है दोस्तों। तो गाइस, पहले के साउंड और अभी के साउंड और फर्क को देख लेना। अभी दोस्तों देखते हैं यहां पर कैसे पीसी में सेटअप करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर देखिए दोस्तों, 3 जो कि आपको यहां पर जैक मिल जाता है, और यहां पर सबसे पहले यहां पर इस साइड में आपको ब्लू मिलता है, ठीक है। इसको मैंने ओपन कर लिया, ये हल्का सा ग्रीन है, और इसके साथ और इस साइड में आपको यहां पर पिंक कलर का जो कि आपको यहाँ पर जैक मिल जाता है। तो अभी मैं इस स्पीकर का यहाँ पर जैक को लगा दिया हूँ, और अभी ये रहा माइक का जैक। तो माइक का जैक यहाँ पर जो पिंक कलर पे हम लोग यहाँ पर माइक को लगा देता हूँ। और गाइस, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पर पीसी में तो यहाँ पर एक पॉपअप आ चुका है, लेकिन नीचे आप यहाँ पर फॉलो कीजिएगा, नीचे यहाँ पर कहीं भी माइक का ऑप्शन नहीं आ रहा था। पहले भी यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर माइक का ऑप्शन, अभी तक भी माइक का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको ओके में क्लिक करूंगा तो यहाँ पर माइक का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर ओके में क्लिक करता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पर ओके में क्लिक करूंगा यहाँ पर देखो माइक का ऑप्शन आ चुका है। तो आप समझ सकते हो, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर माइक को लगाया हूँ तो इसी जो माइक है यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो कंप्यूटर में ये बता रहा है कि माइक यहाँ पर एक माइक लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको फिर भी हम लोग यहाँ पर सेटअप करूंगा दोस्तों, कैसे सेटअप करूंगा दोस्तों, सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर हम लोग को नीचे हम लोग को सर्च बॉक्स में हम लोग को सर्च करना है कंट्रोल पैनल। जैसे हम लोग यहाँ पर कंट्रोल पैनल सर्च करेंगे तो गाइस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो गाइस सिंपल आपको यहाँ पर कंट्रोल पैनल पर आपको आ जाना है, यहाँ पर आपको लार्ज आइकॉन में आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको लार्ज कैटेगरी में आपको आ जाना है, लार्ज आइकॉन आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। नीचे आपको इस साइड में आपको मिल जाएगा दोस्तों स्पीक का ऑप्शन, इसी स्पीक का ऑप्शन में क्लिक कर देना है, और यहाँ पर ही आपको मिल जाएगा सेटअप माइक्रोफोन। तो सेटअप माइक्रोफोन में आपको क्लिक कर देना है दोस्तों, और नीचे आपको डेस्कटॉप में आपको क्लिक कर देना है। अगर आपके पास हेडफोन माइक है तो हेडफोन माइक भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो जो भी गेमिंग हेडफोन माइक होता है वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो इसमें सिलेक्टेड करने के बाद। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर ओनली माइक है, तो माइक में हम लोग डेस्कटॉप माइक को हम लोग सिलेक्टेड करूँगा, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में क्लिक करूँगा दोस्तों, और नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद और एक बार नेक्स्ट में क्लिक करूँगा दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा हम लोग को वेट करना पड़ेगा दोस्तों। अभी जो माइक आप देख सकते हो, ये माइक वर्क करेगा वो तो मैं आपको आगे का वीडियो में ही बता पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। फिर भी यहाँ पर देखो नेक्स्ट का ऑप्शन आ चुका है, थोड़ा वेट करने के बाद नेक्स्ट में क्लिक करूंगा, और एक बार नेक्स्ट में क्लिक करूंगा, बस देखो वो ही ऑप्शन आ चुका है। तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको कैंसिल कर देता हूँ, और क्या करूंगा भाई, इसको मैं कट कर देता हूँ। पीसी का जो माइक होता है यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं आता है, दूसरा ऑप्शन आता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर घुमा फिरा के वही ऑप्शन आ चुका था। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए मैं OBS स्टूडियो से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूंगा, तो OBS स्टूडियो को हमने यहाँ पर ओपन किया हूँ, और गाइस देखिए दोस्तों इसको मैं ओपन करने के बाद, और यहाँ पर जो ऑडियो इनपुट का जो ऑप्शन है माइक को हम लोग सिलेक्टेड करता हूँ, ऑडियो इनपुट है, ऑडियो इनपुट पे हम लोग क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर माइक दोस्तों इस तरह का जो माइक है क्या हम पीसी में सेटअप कर सकता हूँ, और वैसे भी कैसे सेटअप किया जाता है दोस्तों। इस तरह का जो माइक है पीसी में कैसे सेटअप, दोस्तों मेरे हाथ में जो माइक देख रहे हो, इस तरह का जो माइक है पीसी में कैसे सेटअप करते हैं, और सेटअप करने के बाद क्या इस पीसी में चलेगा या नहीं चलेगा वो तो हम देखेंगे। दोस्तों मेरे हाथ में जो माइक आप देख रहे हो, इस तरह का जो माइक है पीसी पे कैसे सेटअप करते हैं ये इस दोस्तों मेरे हाथ में जो इस तरह का जो माइक है पीसी पे कैसे सेटअप करते हैं, और सेटअप करने के बाद कैसे यूज़ किया जाता है वो भी हम इस वीडियो में देख दोस्तों मेरे हाथ में जो माइक है पीसी में कैसे सेटअप किया जाता है, क्या पीसी में सेटअप करने के बाद यहाँ पर होगा या नहीं होगा आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। इस तरह का जो माइक है क्या पीसी में सेटअप होगा, माइक्रोफोन पे हम लोगों को देखो दोस्तों डिफॉल्ट में ज़्यादातर यहाँ पर रहता है, तो हम लोगों को यहाँ पर माइक्रोफोन रिलेटेड इसमें हम लोग क्लिक करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसमें जैसे क्लिक करूँगा ओके में क्लिक करूँगा, और यहाँ पर हम लोग को रिकॉर्डिंग को जो कि स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे हम लोग क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं कुछ भी बता देता हूँ, हेलो दोस्तों, और एक नया वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो गाइस यहाँ पर मैंने बता रहा हूँ, और वैसे भी देखो दोस्तों यहाँ पर जो ऑडियो इनपुट का ऑप्शन है थोड़ा यहाँ पर हल्का सा अप डाउन कर रहा है, बहुत ही कम, बहुत ही धीमी, मतलब इसका जो माइक है माइक शायद यहाँ पर मतलब उतना जैसे पीसी
पीसी का जो माइक होता है उसना यहाँ पर, मतलब इसमें कोई सेंसर टाइप का पर कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या बताऊँ यार। तो जो भी है गाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों इसका जो साउंड क्वालिटी आपने मोबाइल पे तो देखा पहले कितना अच्छा और बहुत ही क्लियरली साउंड, कितना जोर से साउंड हो रहा था, तो ये एकदम मोबाइल के लिए एकदम बेस्ट है, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आप पीसी में सेटअप करना चाहते हो, आपके पास अगर पीसी का माइक नहीं है, तो आप एक बार इसको इस तरह से आप सेटअप करने के बाद आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो, लेता हूँ ठीक है। रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूंगा। तो गाइस मैंने यहाँ पर OBS से रिकॉर्ड किया हुआ और OBS में ये रहा रिकॉर्डिंग, और इसी रिकॉर्डिंग का हम लोग यहाँ पर डबल क्लिक करके प्ले करता हूँ, आप देख लीजिए दोस्तों। और यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर प्ले हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर टोटल मैंने फुल साउंड दिया हूँ, लेकिन अभी तक यहाँ पर भी मैं फुल साउंड दे देता हूँ दोस्तों टोटली, मैं खामोश हो जाता हूँ, सुन लीजिए दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी साउंड नहीं हो रहा है दोस्तों, कोई भी साउंड नहीं हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए पहले है ये, और टोटल मैंने फुल साउंड दे दिया, सबको फुल साउंड दिया, लेकिन यहाँ पर कोई भी साउंड नहीं है। ये देखिए स्पीकर मेरा यहाँ पर पीछे है, स्पीकर में देखिए कोई भी साउंड नहीं हो रहा है, ख़त्म ना, ये रहा वीडियो। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई भी साउंड नहीं हो रहा है। ये दोस्तों मेरे पीसी में ऐसा हो रहा है, बाकी ऐसी सभी पीसी में ऐसा होगा या नहीं होगा मेरे को मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों आपके पीसी में अगर आपके पास इस तरह का माइक है तो आप एक बार लगा के देखिए दोस्तों, और देखने के बाद आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपके पीसी में इस तरह का माइक वर्क कर रहा है या नहीं। और ये जो माइक है आज ही मेरे को मिला है, आज ही डिलीवरी हुआ है। इस माइक का क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा नहीं है ये माइक खराब है, ऐसा भी नहीं है दोस्तों, ये माइक एक्चुअली स्मार्ट मोबाइल के लिए बहुत एकदम बेस्ट है। अभी देखो दोस्तों मैं आपको लगा रहा हूँ दोस्तों, ये लगा दिया हूँ दोस्तों, अभी जो क्वालिटी आप सुन सकते हो ये इसी माइक का क्वालिटी का साउंड है ये एकदम। अगर आपके पास स्मार्ट मोबाइल है और आप चाहते हो थोड़ा, और इसमें देखो ज़्यादा वायर भी नहीं है, तो देखिए दोस्तों ज़्यादातर जो बड़ा बड़ा जो माइक होता है ये 20 फुट का वायर है, देखिए दोस्तों इसको मतलब कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो गाइस इसलिए इस तरह का जो भी बड़ा वायर का माइक है मैं इसलिए कर दिया हूँ साइड पे, और इस तरह का जो बड़ा वायर का जो माइक है तब भी काम पे लगता है, जो भी थोड़ा दूर पे जाके हम लोग को शूट वगैरह करना पड़ता है उस केस में आपको इस तरह का जो बड़ा वाला वायर का माइक आपको चाहिए। अगर छोटा एकदम सामने सामने कैमरा है तो इस तरह का माइक मेरे को लगता है एकदम बेस्ट है। चेकआउट कर सकते हो क्या यहाँ पर अपना जो भी माइक है, हो सकता है मेरे पीसी में यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है, हो सकता है आपके पीसी में वर्क भी कर सकता है, फिर भी मैंने आपको दिखाया कि इस तरह से काफी आसान से आप सेटअप कर सकते हो। कॉमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताना कि आपकी जो माइक है अपने पीसी या लैपटॉप में अपने यहाँ पर इस तरह से सेटअप किया हो, सेटअप करने के बाद क्या आपके जो मोबाइल का माइक है क्या यहाँ पर वर्क कर रहा है या वर्क नहीं कर रहा है, जरूर कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताना यार।